नमस्कार, स्वागत है आपका वैश्य व्यापार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ साक्षी वर्मा। चलिए शुरुआत करते हैं दिनभर की खास खबरों के साथ। गाजियाबाद वैश्य विस्तार अग्र सहयोग ट्रस्ट द्वारा आयोजित एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम हिंदी भवन लोहिया नगर में आयोजित किया गया, जिसके मुख्य संयोजक अतुल आनंद गुप्ता रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान गणेश की प्रतिमा के आगे दीप प्रज्वलित कर मुख्य अतिथि अतुल गर, राज्य मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार व अनिल अग्रवाल, राज्यसभा सांसद ने किया। कार्यक्रम में देश के लिए शहीद हुए सैनिकों के परिजनों को सम्मानित भी किया गया। गाजियाबाद के कौशाम्बी के यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में गठिया एवं बाय की बढ़ती हुई बीमारी व उनकी रोकथाम के लिए परामर्श एवं जागरूकता एक दिवसीय शिविर लगाया गया। हॉस्पिटल के वरिष्ठ रियोमेरोलॉजी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सोविक दास गुप्ता, जो कि पहले एम्स में कार्यरत थे, के द्वारा मरीजों को निःशुल्क परामर्श दिया गया। कैंप में 100 से ज्यादा मरीजों ने भाग लिया। डॉक्टर सोविक दास गुप्ता ने मरीजों को जानकारी देते हुए बताया कि गठिया एवं बाय की बीमारी का टेस्टों के माध्यम से पहचाना जा सकता है। छात्र लोकतांत्रिक जनता दल के प्रदेश कार्यालय पटना में प्रदेश अध्यक्ष विनोद यादव के नेतृत्व में एक दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य 2019 की लोकसभा के चुनाव को लेकर पार्टी को मजबूत कर भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकना था। नीतीश कुमार की नीति बहुत ही जर्जर है, सभी के खिलाफ लोकतांत्रिक जनता दल जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन करेगी, जिसमें छात्र लोजद, औरंगाबाद जिला अध्यक्ष विकास राय यादव, छात्र प्रदेश सचिव अमरिंद्र प्रताप सिंह, जिला सचिव आशु यादव, बिहार के प्रधान महासचिव अमित यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष सलीम, राष्ट्रीय महासचिव उत्पल वल्लभ उपस्थित रहे। गाजीपुर जिलाधिकारी के बालाजी ने विकास खंड भावरकोट में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत खुले में शौच मुक्त गांव कराने के लिए संबंध में खंड विकास अधिकारी, सचिव व बीसी की बैठक विकास खंड भावरकोट में सभागार मिली। डीएम ने अमलपुर गांव में निर्माणाधीन शौचालय का स्थानीय निरीक्षण भी किया। उन्होंने स्थलीय निरीक्षण के दौरान उपयोग हो रहे सामग्री की भी जांच की। बैठक में डीएम ने समस्त सचिव के विकास खंड के ग्राम पंचायत की संख्या, प्राप्त धनराशि व निर्माण हेतु शौचालय के लक्ष्य की जानकारी प्राप्त की। गाजीपुर जिलाधिकारी के बालाजी ने जनपद में ब्रांच बैंकिंग आउटलेट खोलने के लिए डीसीसी एवं जमा ऋण अनुपात के लिए डीसीसी की उप समिति की बैठक विकास भवन सभागार मिली। इस बैठक में जनपद के समस्त बैंक प्रबंधक उपस्थित हुए। बैठक में डीएम ने 5000 से अधिक जनसंख्या वाले गांव की जानकारी लेने पर अग्रणी जिला प्रबंधक मनोज कुमार ने बताया कि ब्रांचों एवं डीबीसी पॉइंटों के लिए स्थानों को चिन्हीकरण कर लिया गया है। इसमें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, काशी गोमती बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, दो स्थानों पर पॉइंट खोलने की अनुमति जिलाधिकारी द्वारा दी गई है। रोटरी क्लब ऑफ वैशाली द्वारा होटल रेडिसन ब्लू कौशाम्बी में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें रोटरी क्लब वैशाली के सभी सदस्यों ने और होटल के स्टाफ ने भी रक्तदान किया। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट गवर्नर सुभाष जैन, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर नॉमिनी आलोक गुप्ता, जीएजी सुनील गौतम, रोटरी क्लब ऑफ वैशाली के प्रेसिडेंट पीयूष जिंदल, सेक्रेटरी संजय अग्रवाल, आशीष महाजन, अनूप दलौदी, नरेंद्र सनवाल, अनुपमा अग्रवाल, मंजू भदौला और वृद्धि गुलाटी आदि सदस्य मौजूद रहे। बिहार सूबे के शिक्षा मंत्री बिहार कृष्णनंदन वर्मा बीबी कमाल पर चादर पेश करने के बाद सीधे मिडिल स्कूल मैदान में पहुंचे, जहां सूफी महोत्सव 2018 के मौके पर रंगारंग कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर विधायक सुधा यादव, जिला वरिष्ठ आभा रानी, जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष, आरक्षी अधीक्षक मनीष कुमार, जिला जदयू अध्यक्ष राजू सिंह मौजूद रहे। धीरज गुप्ता की रिपोर्ट के अनुसार बोधगया में पकड़े गए आतंकी की निशानदेही पर बोधगया में बम की बरामदगी हुई। आतंकियों ने महाबोधि मंदिर के पास बम प्लांट किया था, जिसमें एक बम कालधन के पास प्लास्ट किया गया था। जिंदा बम की बरामदगी से एक बार फिर से सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी हो गई हैं। एसएसपी राजीव कुमार मिश्रा ने बताया कि एसआईए की टीम के द्वारा पूर्व में गिरफ्तार किए गए आतंकी की निशानदेही पर ये बम बरामद हुआ है। इस घटना के बाद से सुरक्षा एजेंसियां एक बार फिर से अलर्ट पर हैं। एमजी मोटर्स के मालिक मुकेश मित्तल का घर से अपहरण हो गया है। सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि अपहरण के समय इन्होंने बादामी कुर्ता और सफेद पजामा पहन रखा था। मारुति की एजेंसी के मालिक के घर पर ये डकैती और अपहरण करने के साथ साथ बदमाशों ने घर में घुसकर घर के लोगों और उनकी पत्नी को घायल कर दिया। नजदीक ही अलवर विधायक का भी घर है। पुलिस ने शहर में नाकाबंदी कर दी है और बदमाशों की तलाश जारी है।
धीरज गुप्ता की रिपोर्ट के अनुसार भारत के प्रधानमंत्री के सपने को साकार करने के लिए एक दिशा में बोधगया में दान करते हुए सांसद हरिमांझी ने बोधगया के गांधी चौक मैदान पर सफाई करते हुए साथ में कार्यकर्ता आम जनमानस ने भी सफाई अभियान में साथ दिया। सांसद हरिमांझी ने कहा कि क्या कभी किसी ने कल्पना की थी कि 4 सालों में 450 से ज्यादा जिलों में खुले से शौच मुक्त हो जाएंगे। इस मौके पर बहुत से पदाधिकारी भी मौजूद रहे। दिन भर की खास खबरों में फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। देखते रहिए वैश्य व्यापार न्यूज़। नमस्कार।